फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ हमारे खेत पर और सुबह के बजे हैं 9 और आप देख सकते हो सूर्य की रोशनी पूरी तरह से खिल चुकी है खेतों में। और आप पीछे देख सकते हो ये सरसों का खेत और इधर आप देख सकते हो यह मसूर। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ फसलों का हालचाल कैसा है। और दोस्तों, कमेंट्स कर बताना आपके यहाँ कौन सी फसल लगाई है और उसका हालचाल क्या है, कितने महीने की हो चुकी है वो। तो दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, लगभग 1 से 1.25 महीने की हो चुकी है सरसों और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और इसमें बीच बीच में कुछ मसूर के पेड़ भी हैं, आप देख सकते हो। और इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं सरसों में, लेकिन अभी इसमें पानी की कमी है क्योंकि अभी पानी देना है। इस बार बारिश कम हुई है तो कुएं में पानी थोड़ा कम है, इस वजह से, अदरवाइज़ इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती। तो दोस्तों, यह है 7044 एडसेंस की सरसों। और इधर के साइड है मसूर, आप देख सकते हो ये भी लगभग 1 महीने की हो चुकी है और इसमें भी हमने पानी चालू कर दिया है। लगभग देख सकते हो काफ़ी शानदार दिखेगा आपको खेत। और इधर के खेत में लगाया हमने दोस्तों धनिया, देख सकते हो। और ये है हमारा वाटरवेल कुआं जो लगभग भरा हुआ है, लाइट का इंतजार है अभी। और इधर है पाइनियर की 45S40, तो इसको लगभग 1 महीना भी हुआ नहीं है और इसमें हमने पानी चालू कर दिया है और ये भी धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ेगी। और उधर आप देख सकते हो सरसों के बगल में आपको मसूर दिखेगी, यहाँ से वहाँ तक आपको मसूर ही मसूर दिखेगी। और मसूर के जस्ट सामने सरसों का खेत है हमारा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। देख सकते हो गाइस, काफी शानदार ग्रोथ है इसकी भी। और इस बार हमने एडवांटा भी लगाई है, तो देखेंगे किसका ज्यादा उत्पादन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी सरसों है हमारी और इसमें हमने पानी कर दिया है लगभग, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, देख सकते हो। और सामने ये है मसूर का खेत जिसमें पानी चालू है लगभग, और इसमें कहीं ना कहीं सूखा रोग भी लगा हुआ है, जो पेड़ सूख गए हैं सरसों के, मसूर के। और इधर देख सकते हो पानी चल रहा है मसूर में, संतोष ने पानी कर रखा है खेत में। क्यों बहुत सूख रही है संतोष? धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। और ये है हमारे फार्मर की हट, झोपड़ी जिसमें नाइट स्टे होता है, देख सकते हो। और ये है कुआं, बहुत कम पानी बचा हुआ है कुएं में,
क्योंकि रात को पाला गिरता है, इस वजह से छिपने के लिए बना रखी है दोस्तों, देख सकते हो। और ये हमारे गणेश जी भगवान। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।